So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज फिर से आपको दिखा रहा हूँ सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन 2025 में, जिसमें हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस रोबोटिक लेजर टेक्निक से, और पेशेंट की आंख में डाल रहे हैं सबसे लेटेस्ट वाला लेंस जो प्योर सी लेंस अभी लॉन्च हुआ है, जॉनसन एंड जॉनसन ने लॉन्च करा है, एंड ईडॉफ कैटेगरी का लेंस है। तो EDOF कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि इस लेंस का एडवांटेज होता है कि पेशेंट को दूर का तो सारा कुछ परफेक्ट दिखेगा ही, लेकिन दूर के साथ साथ जो बीच के काम है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप वाले काम, वो काम भी पेशेंट बिना चश्मे के कर सकता है। सिर्फ जब पेशेंट को नज़दीक का काम करना है उस टाइम पे थोड़ा सा रीडिंग सपोर्ट की जरूरत होगी। तो चलिए दिखाता हूँ पूरा ऑपरेशन हम लोग करते कैसे। तो जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोज में भी दिखाया है कि ये जो हम AI वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, ये सर्जरी बेसिकली दो स्टेप्स में करी जाती है। तो पहला स्टेप होता है जो आप अभी देख रहे हैं, जहाँ पे हमने पेशेंट को लेज़र वाली मशीन पर लिटाया हुआ है, और ये लेज़र जो है ये पूरा एक तरह से आंख के अंदर ही अंदर ऑपरेशन कर देगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि कहाँ से ओपनिंग बनेगी, किस लेवल पे ओपनिंग बनेगी, लेंस को कैसे कैसे घोला जाएगा, और ये सारा AI गाइडेड है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अपना माइंड नहीं यूज करना पड़ता, क्योंकि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद ही सर्जन को हर चीज के लिए गाइड करता है। तो बस अब हम रेडी हैं, पेडल दबा रहा हूं मैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, लिखना शुरू आ गया, लेजर इमिशन हो रहा है, लेजर आंख पर काम कर रहा है, सबसे पहले लेजर ओपनिंग बना रहा है जहां से हम घुले हुए मोतियाबिंद को निकालेंगे, और इसी ओपनिंग से आंख के अंदर एक और लेंस डालेंगे। तो ओपनिंग लेजर ने बिल्कुल परफेक्ट बना दी, और अब जो आप देख रहे हो ये है लेजर जो मोतियाबिंद को घोल रहा है, ताकि जब हम पेशेंट को दूसरे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करेंगे तो सक्शन से इस सारे मोतियाबिंद को बाहर निकाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सर कुछ दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। तो जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, ओवरऑल पेशेंट के लिए जो प्रोसीजर है, सर्जरी है, वो बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो इस ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी नहीं होता, सारा काम जो है हम एक तरह से लेजर से करते हैं। तो बस फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और अब हम जाएंगे सेकेंड OT में, जहाँ पे भुले हुए मोतियाबिंद को निकाल देंगे और आंख के अंदर एक नया लेंस डाल रहे हैं। और जो लेंस हम डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, PureSee लेंस डाल रहे हैं। इतने सारे पेशेंट्स में हम ऑलरेडी ये लेंस डाल चुके हैं, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। EDOF एडवांटेज मिलता है, दूर का दिखता है, बीच का दिखता है, लेकिन साथ ही साथ इस लेंस में कोई हेलोज एंड ग्लेयर की प्रॉब्लम नहीं आती, तो पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो चलिए आपको दिखाता हूं सेकंड स्टेप हम कैसे करते हैं। ग्लासेस
Okay, thank you. Any problems, any questions? No, there is no problem. Okay. बहुत ही अच्छा है वहाँ. कैसे सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, एक बार आप चश्मा हटा दीजिएगा. नीचे देखो सर, ऊपर देखिए, बढ़िया. एक बार मैं आपका विजन चेक करता हूँ सर, ठीक है? प्योरसी का लेंस डाला था हमने, ठीक है. 70427 गुड. 5243 504732 परफेक्ट. अभी 5734207 4 3 5 2 7 0 5 परफेक्ट. सो लास्ट लाइन जो पढ़ रहे हो 6/6, एक बार नियर का भी देख लेता हूँ सर, है ना? यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ना सर, कहाँ तक पढ़ पाओगे आप? तो यहाँ तक पढ़ पाओगे, है ना? ये लाइन भी थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लो, ये लाइन भी पढ़ लो, ना? वेरी गुड. ऐसे तो ईडोफ में यहाँ तक पढ़ पाते, लेकिन आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो. हाँ हाँ, अभी और बेटर होगा, 7 से 10 दिन में ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप. आई एम विजय कुमार प्रसाद फ्रॉम कोलकाता. आई एम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अर्लियर आई वॉज पोस्टेड इन दिल्ली एज वेल. Now I have been posted back to the Kolkata. 1 year back मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई, मतलब मुझे आस्ते आस्ते दिखना, पहले तो नज़दीक का दिखना कम हुआ, फिर दूर का भी लेंस से भी मेरा जो लेंस चेकिंग करके कराया जाता था उससे भी कोई उसका रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा. तो अल्टीमेटली फिर वहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये कैटरेक्ट करा लेनी चाहिए. इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैं क्यों दिल्ली आया, बिकॉज तो कैटरेक्ट तो कलकत्ता में भी अवेलेबल है, सभी जगह हो रही है. तो उस एक्चुअली मेरी मदर का मैंने कोलकाता में कराया था, सबसे बेस्ट लेंस, बेस्ट डॉक्टर. उनका लेंस में पता नहीं क्या हुआ, कुछ ड्रॉप्स आ गई. ड्रॉप्स आने के बाद डॉक्टर बोले कि नहीं, किसी किसी का हो जाता है, तो इसको और ड्रॉप्स हम लोग कुछ दे रहे हैं, इससे बबल्स रिमूव हो जाएगी. अल्टीमेटली बबल्स तो रिमूव नहीं हुई, आई में बहुत पेन था. उसके बाद उन्होंने लास्ट, फिर मैं दूसरे जगह 2-3 जगह कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आपको अब एक ही उपाय है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना, और अदरवाइज क्या बोलते हैं ना कि नकली आंख लगा देने का, कि आपको देखने में ठीक लगेगा बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग. हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया. इसलिए मैं डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक तो मेरी सर्जरी चाहिए जो पेनलेस हो, और दूसरी एक्यूरेसी होनी चाहिए. इसलिए मैं दिल्ली में शिफ्ट किया. पहले से तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी वो क्लियर नहीं देख पाता था, फिर भी थोड़ा ओवरलैप करता था वर्ड. अभी तो क्लियर मैं देख पा रहा हूँ, तभी मैं आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छी से अच्छी लेंस लगाई गई है. उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन का प्योरसी बताया. पहले तो उनका मैं वीडियो में देखा था, एलकॉम का कुछ बता रहे थे, तो यहाँ बताया कि नहीं अभी ये लेटेस्ट आई है. मैंने बोला डॉक्टर, ये तो डिसाइड डॉक्टर ही करेंगे कि उनको कौन सा बेस्ट मेरे आंखों में लग रही है. तो उन्होंने डिसाइड किया यही जॉनसन का, तो मैंने डिसाइड किया ठीक है प्योरसी ही दे दीजिए. मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा, मेनी मेनी थैंक्स टू डॉक्टर राहिल चौधरी एंड हिज टीम. एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. आई विश ऑल द सक्सेस टू ऑल ऑफ देम.